नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये LYF का फ़ोन है, और LYF का फ़ोन है F2003। ये फ़ोन है आपका, और इसमें माइक का प्रॉब्लम है। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या था। ये एक कस्टमर का फ़ोन है, और ये कस्टमर ने बताया कि एक वाटर डैमेज था। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन तो अभी हम चेक करके दिखाएंगे आपको, और सारी चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं इसकी जो पिन दिख रही है, किसी टेक्नीशियन ने इसको, अगर काम नहीं कर रहा होगा तो किसी टेक्नीशियन ने इसको स्क्रैच किया है, और स्क्रैच करने के बाद देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। दो टिप्स दिख रही है, पर आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। कभी भी आपके पास ये बोर्ड आए तो आपको उसकी ट्रेसिंग करनी है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको प्रॉब्लम पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपके सामने वर्क करके दिखाऊंगा एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है, प्लस माइनस वाली सप्लाई है, तो यहाँ पे एक तरफ बीप आ रही है, दूसरी तरफ वन आ रहा है। तो इसमें कंडीशन ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर जो भी लगा था। दो टिप्स आपको दिखाई दे रही होगी, दो टिप्स पे आप क्या कर सकते हैं, आपको इसमें कंटिन्यूटी लेंगे तो एक टिप्स की कंटिन्यूटी आपकी आएगी, दूसरा जो आईसी से रिलेटेड है उससे आएगी। तो हम यहाँ पे वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं, दोनों चीज़ हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि उसमें वोल्टेजेस कितना आ रहा है। उसमें वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक करके दिखाएंगे, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रेसिंग करके आपको ये वीडियो लास्ट तक देखें और आपके सामने दिखाएंगे फ़ोन हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो इसकी टिप्स आपको दिखाना चाहूंगा कि ये क्या कंडीशन बन रहा है इसमें। तो हम इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग करने के बाद दिखाई देगा आपको। ये देखिए बीप बज रही है, जैसा कि मल्टीमीटर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, मैं साइड में मल्टीमीटर लेके चलता हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये LYF का फोन है जो कि चालू है, और इसे चालू करने के बाद हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरफ देखिए बीप आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी लेके चलना, कवर करना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप आ रही है, और एक तरफ वन आ रहा है। तो हमारा ये सर्किट बन रहा है दोस्तों, प्लस प्लस माइनस की सर्किट बन रही है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। पर अब किसी टेक्नीशियन ने इसको स्क्रैच कर दिया था, मैंने पहले ही बोला है। उसका सोल्यूशन था, कस्टमर से जब हमने पूछा तो बताया कि वो वाटर डैमेज है, ठीक है। तो वाटर केस में यहाँ पे एक कॉम्प्लेंट लगा था, जो कि हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे एक कॉम्प्लेंट था जो कि आपको हमने दो टिप्स करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे कॉम्प्लेंट, जैसा कि मैं टच करके दिखा दूँ, ये कॉम्प्लेंट हमने इसको रिमूव कर दिया है। इस कॉम्प्लेंट को हमने रिमूव किया है तो इसकी शॉर्टिंग दूर हो गई है। तो मैं इस पर कोल्ड टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा उस कॉम्प्लेंट पे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए एक तरफ रीडिंग आ रही है, इधर भी आप दिखाइएगा, दोनों तरफ उसको कवर करिएगा, जूम आउट कर लीजिए। ये देखिए रीडिंग आ रही है, और इधर भी रीडिंग आ रही है। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेंस लगा था, सीरीज कॉम्प्लेंस जो भी लगा था यहाँ पे, तो ये शॉर्ट बता रहा था। जब वहाँ पे कॉम्प्लेंस लगा हुआ था तो शॉर्ट बता रहा था, तो हमने इस कॉम्प्लेंस को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, और एक को प्लस वाले सिरे को जंपर करेंगे, और दूसरे को ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा माइक काम करता है कि यहाँ पे वहाँ पे एक जंपर कर रहे हैं, दूसरे सिरे को हम ग्राउंड कर देंगे, और जिससे कि आपका विथ प्रैक्टिकल दिखा रहा है आपको। ऐसा भी नहीं है कि बस आपको दिखाया जा रहा है क्या है कैसा नहीं है, क्योंकि वहां पे जो कॉम्प्लेंट लगा था शॉर्ट आ रहा था, क्योंकि वाटर डैमेज था। लोग इसे जानते नहीं थे, लेयर को स्क्रैच कर देते थे, और लेयर को आपको स्क्रैच नहीं करना है, उसमें कंडीशंस चेक करनी होती है कि ओके कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है, कि शॉर्ट कंडीशन है, कि उसमें कंडीशंस क्या बन रही है। अब हम देखते हैं वहां पे उसको जंपर करके माइक, फिर हलो हलो करके आपको चेक कराएंगे। बट जो हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है वो हलो हलो करके नहीं दिखाया जाता है आपको, वहां पे उस टिप्स पे वोल्टेज चेक कराते हैं। तो एक जंपर करने से पहले हम आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये वोल्टेज पे है मल्टीमीटर, और इसमें सबसे पहले फोन हमारा ऑन है, और इसमें दिखाते हैं वोल्टेज आ रहा है क्या। कोई भी वोल्टेज अभी शो नहीं हो रहा है, जैसा कि वहां पे उसी टिप्स पे टच है, मैं आपको एक बार और दिखा दूं, वहाँ पे उस टिप्स पे टच है और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अब इसमें माइक को एक्टिव करेंगे, हम माइक को एक्टिव करके देखेंगे कि उसमें वोल्टेज आता है कि नहीं। फोन लगा भाई, फोन हमारा देखिए ऑन था दोस्तों, इसमें माइक एक्टिवेट नहीं था। अब इसमें माइक एक्टिव करेंगे और उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसमें कॉलिंग चालू करवा दिया है, क्योंकि उसमें एक्टिव वोल्टेज आना चालू हो गया होगा। अब इसमें हम वोल्टेज फिर से वहीं पे चेक करते हैं कि इस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस टिप्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1.6 वोल्टेज आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे भी हमने आपको ट्रिक बताई है, सारी चीज ट्रिक बताई है आपको, बिना टिप्स के भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे उठा करके वहाँ पे माइक का प्लस लगा देना है और ग्राउंड कर देना है, आपकी माइक काम करने लगेगी, जो आपकी विथ प्रैक्टिकल हम दिखा रहे हैं। ये आपको वोल्टेजेस हमने दिखाया है कि वोल्टेजेस एक्चुअल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
बनाएं प्रॉपर वीडियो जो आपको एक सही नॉलेज में कि उसमें कंपोनेंट्स को आप उसको स्क्रैच ना करें और उसको आप स्क्रैच ना करके आप उसको ट्रेसिंग करें, ट्रेसिंग करने के बाद आप उसको फाइंड आउट करें कि उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ओपन है, शॉर्ट है कि लीकेज है, कि क्या कंडीशन बन रही है। तो जिस तरफ हमारा वोल्टेज आ रहा था हमने वहाँ पे कर दिया है अब, और दूसरे को ग्राउंड कर देंगे हम, दूसरे को ब्लैक वाले सिरा को हम ग्राउंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फोन को चालू कराएंगे और दूसरा जो फोन है हम उस, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हमारा फोन मैंने कॉलिंग करवा दिया है। अब इसमें आप बोलिए इसमें हेलो हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 100% पर हमें, हम जो पढ़ाते हैं जो हम सिखाते हैं उसमें हेलो करने की जरूरत नहीं है आपको। जिसमें हमारा वोल्टेज आ रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जो वोल्टेज है एक्टिव वोल्टेज और दूसरे को हमने ग्राउंड कर दिया, चाहे टिप्स हो चाहे ना हो, किसी टेक्नीशियन ने इसको स्क्रैच कर दिया था और स्क्रैच करके उसकी लेयर को खराब कर दिया था, बट कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है सारा चीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में आप नए हैं तो जरूर से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।